मैं अक्सर अपने सब्सक्राइबर से बोलता हूँ, आपके पास अगर कोई भी लीगल नोटिस आता है, बैंक द्वारा, कोर्ट द्वारा, या कोई भी लीगल नोटिस आता है जिसकी समझ आपको नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें बैंक से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, हमें कोई वकील रखना चाहिए, आखिर करना तो करना क्या चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर है, कल उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। उनका घर अब नीलाम होने पे आ गया, बैंक ने उन्हें नोटिस दिया, बैंक ने थोड़ा सा फ्रॉड भी किया, उस फ्रॉड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उनका घर बिकने वाला था, जब उन्होंने मुझे बात किया तो जो उनके लिए सही चीज हो सकता था मैंने उन्हें बताया। फिलहाल अभी उनको स्टे ऑर्डर मिल चुका है, अभी उनका घर बिकने वाला नहीं है। मैं अक्सर अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आता है, अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, बैंक और NBFC कंपनी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, स्क्रीन पे एक नंबर है, वहां पे अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हो। आपने जो घर बनाया है, आपका जो दुकान है, आपका जो प्रॉपर्टी है, बहुत ही मेहनत से आपने बनाया है, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में अगर आपका घर चला जाएगा ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। देखिए, हाल ही के दिनों में अभी क्या हो रहा है, बैंक वाले अक्सर आपको जो नोटिस होता है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के नाम पे लोन लिया है, आपका घर हुआ, आपका दुकान हुआ, या किसी जमीन को गिरवी रख के आपने लोन लिया है, तो बैंक यहाँ पे क्या करती है, जब 90 दिनों के पास उनके पास EMI नहीं जाता, 90 दिनों के बाद लोन NPE हो जाता है, तो बैंक यहाँ बहुत ही चालाकी से क्या करती है, उस नोटिस को पहले रोकती है। बैंकों को 3 नोटिस देने होते हैं, सबसे पहला 13-2 का नोटिस, फिर 13-4 का नोटिस, फिर फाइनल जाके पोजिशन नोटिस आपके पास आता है, जो कि एक DM से अप्रूवल नोटिस होता है, जिसको DM नोटिस भी बोलते हैं। उसके बाद आपके घर को ऑक्शन कर दिया जाता है, और ऑक्शन में जो भी अमाउंट तय होता है उसी तय अमाउंट पे आपके घर को बेच दिया जाता है। पर घर के ऑक्शन होने से और नोटिस आने तक आपके पास टोटल 4 महीने का समय होता है। बैंक यहाँ पे क्या करता है, बहुत ही चालाकी से उस नोटिस को अपने पास रोक लेता है, जब डेट खत्म होने वाला होता है तब जाके वो नोटिस आपके पास देता है। तब कस्टमर के पास कोई भी उपाय नहीं होता, वो बेबस हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका 90 दिन हो चुका है, आपने EMI नहीं दिया है, तो आपके पास जो सबसे पहला नोटिस आएगा वो 13-2 का आएगा। 13-2 के नोटिस में आपके पास 2 महीने का समय रहता है, पूरे 60 दिन का। फिर उसके बाद 13-4 का आता है। 13-2 के नोटिस आते ही आप अपने बैंक से, रीजनल मैनेजर से जाके संपर्क कर सकते हो। अगर 13-4 का नोटिस आता है तो आपका किस तरह का लोन है, आपका लोन अमाउंट कितना है, आपने कितना EMI पेमेंट किया, उसके हिसाब से आप DRT भी जा सकते हो, हाईकोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपके पास DM नोटिस आ गया, ऑक्शन का नोटिस आ चुका है, तो आपको किस तरह से हाई कोर्ट में जाके अप्रोच करना है। देखिए, जिनको जेन्युइन जरूरत हो, हमें हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खर्च होता है, अगर जिसको जेन्युइन जरूरत है, उसको लगता है कि उनका घर बहुत जरूरी है, उनका प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, अगर आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप DRT जाओगे, आपको हाई कोर्ट जाना सही रहेगा, किस तरह से उस नोटिस को हैंडल करोगे, आपको समय मिलना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का समय मिलना चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने का समय रहेगा तो शायद आप उस नोटिस के अगेंस्ट में कुछ उपाय कर लोगे। सबसे जरूरी चीज होता है आपको सही गाइड मिलना जरूरी है, क्योंकि आप सीधे कोर्ट जाते हो तो यहाँ वकील क्या करता है कि आपसे बहुत ज्यादा मोटा रकम वसूल लेता है, 50,000-60,000। क्या उसके बाद भी आपको फायदा होता है? इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई भी नोटिस आ रहा है, लीगल नोटिस 138 का आ रहा है, 13-2, 13-4, किसी भी तरह का लीगल नोटिस आ रहा है, अगर आपको उसकी समझ नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसके अगेंस्ट में हम क्या करें, बैंक वाले परेशान करते हैं, NBFC कंपनी आपको परेशान करते हैं, तो स्क्रीन पे एक नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।